जो कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी है। ये वो मुल्क है जहां पे कुलभूषण को इंसाफ मिल सकता है, इनके लवाकिन इनसे मिल सकते हैं, लेकिन बलोचों के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद है और बलोच माए अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। ये वो रवैया है जिसके खिलाफ बलोच आज उठ खड़े हुए हैं। जब हम अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाज करते हैं, हम पर इल्जाम लगाया जाता है, हमें गद्दार और एजेंट कहते हैं। यहाँ आकर इस कैंप में हर एक माँ की आंखों में जान के इन बच्चों की बातें सुने, अपने जमीर को झंझोड़े। अगर आप में जमीर है तो अपने जमीर से पूछिए, ये बच्चे दहशतगर्द है? हमारे आवाज को दबाने के लिए दहशतगर्द और डेथ स्क्वाड वालों को बुलाकर बिठाया गया है। हमें हमारे प्यारे दे दे, हमारे प्यारों को बाजियाब किया जाए। तमाम लापता अफराद को सीटीडी की गुंडागर्दी। अभी मैं मोहम्मद रफीक की माँ को बुलाती हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर मोहम्मद रफीक की माँ, डॉक्टर मोहम्मद रफीक को, तमाम लापता अफराद को। अस्सलामु अलैकुम। अना चुनाइना सुस्मामा दिल्यास सिंधा एक आर सिंगा बसक राका इना बसिस्ता गाइलुम तम और जुंगड़ा सुसिरख पुंगुरक वल्दा इना रक पैकने संगत तस्तवार के इना संगत तो ते न बस श्याम नईद करे इलुम तफयरार कुनुस पाई वे सोबन बरे वैया न सोबन के वल्दा फोन करे या ता नंबक ते बंद मसूर उस तमाम न एरी लाड़ो नामो का स्कूटर समेत न एजेंसी या फेदर ही ना था वल्दा नान फोन करें के राड़ के ने पाया नंबक ते लगी पसा वो डेड़े खल को नंबक ते बंद मसूर वल्दा पटा हंत वंत पे एजेंसी दरे ही ना आने था एजेंसी दरे ही ना था वल्दा ए नए फ्यार करे न लोते तक एनसी काट करे पाई दरे ने ते एजेंसी बस वल्दा ही ना था वल्दा हंत वंत बस स्कूटर समय दफे दर इतना तमाम लापता अफराद को वेयर आर यू यू किल You abduct. तमाम लापता सीरान को। अभी मैं मोहम्मद शरीफ की वालिद को बुलाती हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का बयान करे। मोहम्मद शरीफ की वालिद अब्दुल रहमान। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا علماء كنا دوستاك كنا بناري داد الرحمن مارنا كنا بن محمد شريف 2018 فروري 19 تاريخ آي زلي خزدار زهريان چست كننگاني كان يتو اوال ملا كي ايجنسي چست كريني تا इल्मा की अंदा दरख्वास्त नुम तो कुल्ल तो केव तेना इल्मा तो तेना कौम तो तेना राज तो और तेना रियासत पाकिस्तान तो ओ कना चुनाव बाजियाब के और एलो इल्मा कना लुमगा कना ईड कना चुनाव कना कुल तू सुनो दाड़े अंदा दरख्वास्त नंग के ना चुनाव ते बाजियाब के ना ड्यूटी तेरता कसस गुन खतास कीक तो वो दे अदालत इंसाफ ये ते अदालत ता पेश करनेंगे
उन हमो गुना हमो खताया था पेश मरे वो अंत की अदालत अंत से तो जुर्म साबित किया तभी ओ नन दाटी इंतराज कपना ओ नन भी अंदा ख्वाही न कि अंत से खतास करे नहीं तो वो खता न सजा मिले चाहे पासी ले लग एकता तो वो इच्छो मुश्किल है सफक न खुश मरे ना ननावी कना दरख्वास्ते कुल अदारगातो और इंसान दोस्तो बंदगी तो और नना चुनाते बाजियाब केर और अदालता पेश केरता और नने दावड़ा बाव लुमगाती नने तकलीफ तिफास और नन दागड़ा ख्वाई पनक पेसिट तकलीफ मरे ओ ये अंदा दरख्वास्ते कन्निंग टीट कुल आलमी दुनिया तो ओ नना तवारे बिनेर और नना अंते केर नना चुनाते बाजियाब केर ओ कुल लुम्बगाते और बाजा कंदुनो नो उस्ताता बीमारी मसुनो वो दी वराते टी हमो लुम्बगाक हमो ईड हमो चुनाक तो उच्चतें किच कारिम करने का पसा तकलीफी टी वो खुदारा ऐसे जुल्म न करे भाई वो बहनों सब सुने मेरे बात हम लोग गरीब है मिस्कीन है हमारा साथ ऐसे जुल्म न हो जाए किसी बंदे के साथ ऐसे जुल्म न करना भाई वो ओ हमारा सब के साथ दरख्वास्त है हमारा बच्चों को बाजियाब करे और हम लोगों को दे दे हर मुसलमान को हर बंदई को इंसान दोस्तों को सुकून मिले अपने घर में ओ अच्छा तरी रह जाए और अपने प्यारों के साथ मैं ये दरख्वास्त सब दुनिया आलमी दुनिया में कहते हूँ कि खुदारा ऐसे ना हो जाए किसी के साथ कि हम लोगों का साथ होता है बस शुक्रिया और मेहरबानी थैंक यू जुल्मना मोना बैश मतारे जुल्मना मोना बैश मतारे जुल्मना मोना बैश मतारे। अभी मैं शाह फैसल के वालिद मोहम्मद हुसैन को बुलाती हूँ कि आए अपने ख्यालात का इजहार करें। शाह फैसल बलोच को तमाम लापता सीरान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनी नाम मोहम्मद हुसैन है मां पंजगुरे नेंदो क्यों मनी जा के नाम शाह फैसल स्पीटर नाम है वो पंजगुरेता आप यक पिलेरे पंजगुरेता ही नाम ही होता वो 14 अगस्त 2022 डेट स्क्वाड है मर्दुमा आई गिर के कोशिश को चानी दस्ता चे आजेस्ट तो 14 अगस्त बेगा है टेम्बा मगरब अंदाजा तो यक टेलीफोन में मर्दुमा ने सरा मनी प्राजा के सरा आया मैं जिसको के ये पैसल चुमे इलाके निंदो के ये पैसल के आई पता हमें गुस्त के पैसल मनी नाकुजा के तो हमें गुशक भू के पता पैसला कैंपा लौट गया मनी जिंदा वत पैसला जुर्त शुत उचार पंच मर्दुमा पंचगुरे कैंपे तहा तो आउदा मारा सर कोर्ट तो हमें एजेंसी मर्द में था निश्चित कहता इशारा सवाल कर गप इज्जत शपे 2 बजे मना दाते के इशारा विपर इशारा चुकी की सी निश्चित हमें मना कुछ थी कि शोभा पदा बिहारे माँ इशारा जोस्त करना हाँ तो हमें शोभा 15 अगस्त में पदा बात बोल पदा मुदा सर को आया पदा हमारा तहसील दीजा कि मैं जोस्त करने का इशारा सवाल जवाब करने का तो हमें सवाल जवाब है था माल लग गया था हफ्ता लग गया था पदमा ब्रिगेडियर है करा शो तो पंचगुर एफ सी है कमांडर करा हम कमांडर करा वश हो तो आई कर रहा हम सवाल को ब्रिगेडियर जिंदा मना गोश्त के तीजा गांव में कर रहा है तीजा का जोस्त करने का है पदा में जोस्त पदा मना हमें गप्पी जस मां वश हो तो पदा ब्रिगेडियर जिंदा मना वह गोश्त 4-5 संगत था हमें दो संगत था है ना गुश्ती का है ही 4-5 मर्दों कोयटे सी टी टी में दाते का
ब्रिगेडियर जिंदा पंजगुरे पता हमें मना कुछ मतरा जर दई मोगती जरा कलाम पे तो हमें जागा मरा फिजदार मरा में एम छी ने को कहता ईजा कोचे है हम वो सही सलामत ने वश है पता फरवरी माता 2023 पदेशन कमीशन लगे कोई छा मोहत कमीशन रहता घूमू तो गूं चार गश्ता वाला पीछे लौटा इन तक हमारा जज्जे जिंदा वाला गोश्त तई जाग क्या है मंगो जाग शाह पैसे ने खुशी होती ना हमें मिशी वना हमें खुशकबू के तई जाग के केस चिदा छे भूता केस अलास है केस में अक्काए तई जाग दर कहते हैं आर्डर भूता पता मंगो के तो सारी गप्पा न जैसे मर्दमाना घुसी ती जाग मनी खेल रहा नए के मतलब दस्ता में जज घुस गए तई जाग ये रिश्ता का मसला पुलिस वगैरह लेवीज वगैरह पंचगुरे एफ सी ए कमाना वगैरह सज्जय ने दूता एम आई ए कमांडर दुरे निंदू भूतगा हमें अदालत है था उसी तीजाक ये मर्दों के लेना निश्तगा तीजाक हमेशा ना घूनी और तीजाक दर कहते हैं मशो तुम पंचगुरा निश्तों पादा तुम पता कागज मना न था उसी की तीजाक कहते पता हम एफ सी कमांडर करा छुतो पता मना उसी की तीजाक है आर्डर भूता होगा आर्डर भूतगा उसी का दर कहते हैं ताकि मैं निश्तो ये आर्डर निस्तत पता हमें धोखा जनी जना मनीजा का शाम पसारे मनीजा के फिलेरे पंचगुर नाम पैसल स्पीड भूता तो हमें मर्द मना कुछ के पैसल स्पीड ये आई कोड ही भूता मगो कोड ही ना भूता तो बाद दिस्ता बड़ा पंचगुर हर्च कला भी हर्च मर्द में जस्ते का मनी जाग फुटबॉल कराची अब गुम भूता कोइचिया गुम भूता आ खाले जा वाने का भूता ये जुल्म मुताबिक चला गया घुमा आगे जुल्म का लगा तो खुदा यस्त खुदा ना यक रुचि लाजम गिते तो जुल्म पूछता अरवादा आगुशा मैं जुल्म करना तो हमें धोखा जानिया तो अरवाद गुमा धोखा जानी का नया मन प्रधान थे छुशेन धोखा ही बीते मंगोश्त मनी जंद हम फौजा भूता मन 30 साल अरबा नहीं करा कार खुड़ता अंग्रेजा नहीं करा मैं कार खुड़ता लेकिन वो छुशेन धोखा जानी नबूता वो हवा में उसका छुशेन जुल्म नबूता इधर पाकिस्तान ने रियासत है जुल्म ही करने गए मैं जुल्म पूछता उस्ताते का मैं चारेगा गवर्नमेंट पाकिस्तान को मैं अपील है मैं गप्पा गोश बिदारी मारा पिछारी ये पर गप्पा ना के मारा गुशी शुमा दुरे मुचरे में छुने छुने मर्द में लेकिन आ चीजें तो हमारा पिछारी आगा मैं छुने मर्द भूतगा गवर्नमेंट पाकिस्तान को अपील है ये धरने में आता का धरने को शामिल भूतगा वती जागा नहीं वस्ता ये शोक का मर्द नहीं आता मैं मास गुआ रहता गिरिया का रोड है सारा तो के मारे बेगन दे ना गोल तो अपील है मारा बेगन मारा जुस पे का तो बयापर दुरे मर्द एक डोल ना बा अगर आपकी कार्य करेगा तो आरा जुस पे का तो मसला मुल्क है रियासत है तो इधर मैं इस्लामाबाद आते का जज वास्ता आते का कि जज मारा भिगिन दी अगर वो इधर मारा चीर रहता है इधर मारा भिगिन दा हाँ तो इधर वास्ता मैं आते का वो आदारे अपील में वो जज्जा को अपील में हुकूमत पाकिस्तान को अपील में मैं गप्पा गोश बिदारी में जाकर रहा का मैं किसे था परेशानी है मैं मर्दमान का परेशानी है हर वक्त को परेशानी में गुजर गया तो हुकूमत पाकिस्तान को अपील है मैं जागा दर पे का अगर चुशी अगर केस हस्ती आने अदालत सर पे का अदालत हर सजा देता मैं सजा उसका तैयार हूँ तो आने का प्रोस्ता मैं इजाज का मेहरबानी बलोच नसल खुशी बलोच नसल खुशी सिंधियों की नसल खुशी तमाम गुमशुदा अफराद को मैं नूर आलम की माँ को बुलाती हूँ कि वो आए अपनी दर्द बयां करे नूर आलम बलोच को नूर आलम बलोच को तमाम लापता सीरान को लापता है हफ्ते में साल लगा रहे तारीख 2017 है कि तब से हिच हाल वाल नेस्तनी मैं बच्चे में यक्का अल्लाह नाम है यक्का हम उधर से लुट सका ये दफ्तर आस्तगा वो गुटिया मना लुट सा मना जर वार्त गते पसे ती बच्चा बोल जाए ना वो गुटिया जर वार्त गा हर मर्द मा जर वार्त गा बच्चे जो लोग आ गिपते ही दुल्लक जर्री कशते ही मैं लोग तलाशते ही चुक जाई फा मार जैसा गती दुल्लक जर्री बुरते ही यक माद ने लोग आ जक्सी है हवा बुरते ही मैं बच बुरते ही पता जो पुछता मारा बुगटियां लुट सा जर वार्त गा बुगटियां और सती बच्चा मा बोझ गाओ
नी मुखारी अंदरा कपतियां दरपां दरिया कपतियां बेला लंगड़ियां कपतियां बच्चा में यक्का कि मैंने शार दे बुरताए नी मुवार रोडा नी सरा कपतियां ये दारे लीक सगा ओदा धरना कसगा नी मैं दा इस्लामाबाद आतकगा कि इस्लामाबाद मारे इंसाफे का इशिया मर गितो कुटसा मर खैजदा बुरता मर आफ जिसगा मर लठ जिसगा मर धिको दासगा मैं चप्पल गार पीसगा मैं जर पट सगते मैं इस्लामाबाद आत को इंसला इंसाफ लौटगा आत को मैं गनोख ने असो या मैं बेशर्म ने असो मर रोडा जुजगो मैं मजबूरी तो रोडा जुजगो मजबूरी अब जुजगो नहीं मैं दर पा दर पीसगो खारी अंदरा कपतिया अल्लाह मैं बच्चा रहा काला पाक हर मुसलमान बच्चा रहा काला महरंगा सो बेदा शुक्रिया अंबाई बचाने निकले हैं, अंबाई बचाने निकले हैं, अंबलोच बचाने निकले हैं, अंबलोच बचाने निकले हैं, अंबलोचिस्तान बचाने निकले हैं। अभी मैं इसरारा था कि बहन शमसा बलोच को बुलाती हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करे। इसरारा था बलोच को, इसरारा था बलोच को, तमाम लापता सीरान को। अस्सलाम अलैकुम, मैं इसरा रताउल्ला की बहन इस स्टेज पे मैं कितनी बार खड़ी हुई हूँ मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ, मेरे अल्फाज खत्म हो गए, रोते रोते मेरे आंसू भी सूख गए, दर्द इतनी पुरानी के आंसुओं की जगह अब आंखों में खून आने लगे। क्या करें इस रियासत से अपील जो कभी खुद की ना हो सकी। मेरे भाई को 12 मार्च 2023 को घर से उठा लिया गया बिना कोई कसूर के, बिना कोई खता के, उसे अपने टॉर्चर सेलों में बंद किया गया। जब हम सवाल पूछते हैं कि हमारी गुनाह क्या है तो कहते हैं कि आप दहशत गर्द हो। जब हम रिजिस्ट करते हैं तो कहते हैं अपनी मुल्क जाओ। जब हम आपकी बात करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तानी हो के भी ऐसे करते हो। अगर हम पाकिस्तानी होते, अगर इस हुकूमत ने हमें अपना माना होता तो इस्लामाबाद आते वक्त हमें ये नहीं कहते कि अपने मुल्क अपनी जगह क्वेटा जाके रिजिस्ट करो, यहाँ पे नहीं। मैं इस रियासत से ये सवाल करनी चाहती हूँ कि क्या एक 9 महीना बच्चा भी एक दहशतगर्द हो सकता है जिसे कल की बम ब्लास्ट में शहीद किया गया? क्या एक 17 साल ना मासूम स्टूडेंट भी दहशतगर्द हो सकता है जिसे घर से माँ की गोद से उठा के ले जाया जाता है? क्या वो भूखे बच्चे जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, क्या वो दहशतगर्द हो सकता है? या के दहशतगर्द वो हैं जो वसाइलों को लूट के बड़े मीनार बनाते हैं, जो खूनों को चूस के अपनी जिंदगियां बनाते हैं? मेरी सांस रुकती है इन मीनारों को देख के, खून की बू आती है मुझे इनसे, दम घुटता है इस इस्लामाबाद में बैठ के। हमें कोई शौक नहीं यहां बैठने की, हम उस वो जो दर्द हमारे सीने में दबी है उसने हमें मजबूर करके यहां बिठाया है। अब हम आपके जुल्म के नीचे दबने वाले नहीं, हम अब और भाइयों को खोने वाले नहीं।
जितने भाई आप मारोगे हम हर वक्त रिजिस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे, क्योंकि बलोच वो उस माँ की कोख से पला हुआ है जो कभी खामोश नहीं हुआ। कितने जुल्म के नीचे दबाओगे हम हर जुल्म की जंजीरें तोड़ेंगे, हम कौम बलूच ठहरेंगे, हम कौम बलूच ठहरेंगे। ये रंज शिकम की दर्द ने ये कौम बलूच की बेटियां हैं, ये बारी बारी निकलेंगे, ये बारी बारी निकलेंगे। तमाम लापता सीरान को, तमाम लापता सीरान को, कई लोग बुने तैशार बुने, कई लोग बुने तैशार बुने। अभी मैं निसार अहमद की फैमिली को बुलाती हूँ कि वो आए अपनी दर्द बयां करे। निसार अहमद बलोच को, निसार अहमद बलोच को, तमाम लापता सीरान को, तमाम लापता सीरान को, तमाम गुमशुदा अफराद को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं निसार अहमद का बड़ा भाई हूँ शौकत अली। हम लोगों का ताल्लुक मच से बोलान से है। निसार अहमद को 11 जून 2015 मच कब्रिस्तान से उठाया, 4 गाड़ी समेत आके एफसी कैंप ले गया। फिर हम लोगों को पता चला वो एफसी कैंप चला गया, तो हम लोग चला गया उनसे पूछताछ के लिए। हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा दयारों से वो बोलते हैं हमको पता नहीं है लोगों को निसार को कौन उठाया है। सरदारों नवाबों दूसरों इदारों से हम लोग गया, हम लोगों को कुछ नहीं इसका मालूम नहीं हुआ। जब लोग घर चला जाता तो माँ से सवाल करते अपने भाई के लिए, अपने मेरे बेटे के लिए क्या किया तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो। हम लोग चुप हो जाते थे, बैठते थे। हम लोग सुनने वाले सरदार है नवाब है कोई नहीं हम लोगों का। दरअसल हम लोगों का सुनने वाला आज कोई आए तो डॉक्टर मारन, कोई आवाज उठाए मजलूमों का यही है हमारा बहन भाई आवाज बुलंद है। इंशाल्लाह इन लोगों के साथ हम खड़े हैं बैठे धरने में। हमारा जो हमारा अभी बलोच भाइयों से दरख्वास्त है जो बलोचिस्तान में बैठे हुए भाइयों को, अभी नहीं उठोगे जुल्म के आगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, राख बनोगे, राख बनोगे। शुक्रिया। अभी मैं बाबजान की फैमिली को बुलाती हूँ कि वो आए अपना दर्द बयान करे। बाबजान बलोच को, बाबजान बलोच को, तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को। अस्सलाम वालेकुम। मान मरियम बलोच हवालदार बाबजान इब्राज़ा को, हवालदार बाबजान 4 हवालदार बाप जान जनवरी 2022 आई जिंदे सरा हमला बूता आ जानक बूता तिरवार बूता शाही अशिबाद आज हमें फैमिली सख परेशान ज्यादा आ इलाज को शाही आज अशिबाद 4 जून 2022 ची डक्के दफा चिस्का नकबू तो रोजगार मरुची आइए चालेवाल लिखते क्या खो जाए। हवालदार बाप जान अस्ता म पंजगूरा सख बस तहफ़ को ए ताना ताना ई डी सी दफ्तर आ डी सी दफ्तर मसाकबास कोशिश को बोले सरकार आई रियासत ने मगा मरा इच नरस पदई लांग मार्चा मावार बूतो इधर पंजगूर चिबेगरे तक इस्लामाबाद आता हमें उम्मीद था के बल्कि न रोचे न रोचे हमारा ही सरकार ने मगा उम्मीद बेरसी बोले मैदा आता इस्लामाबाद ई धूमी माँ है मेरा गाय के तमरा हिच उम्मीद रसगा नई श्री रियासत ने मगा श्री सरकार ने कहा अम्मा छोड़े का शर्बूगा नयाम ये रियासत में वस्ता हिच कनगा नए नुमा आदगा मुल्का शी अफील कना शी यूना अफील कना के बे अमर पेचारी के मच्छे वड़ा बलूचिस्तान है तो जिंदगी गुआजी न गया
बलूचिस्तान एच वड़ा बलूचिस्तान और एच वड़ा आक दयागा नहीं के यूएन घुसागाई यूएन घुसी के माँ दोस्त मुल्क बराबर अचारी बले फर्चा मा बलूचिस्तान मर्द बराबर भूगा नियम और मैं खार शर भूगा नियम शर बेमरा फिचारी के मैं चोना और मैं दरखास्त करना शादगा मुल्क के वे मैं मर्दमा बाजिया फिका और सरकार इच न लूटा मरे द जंग छो फे कार ने मरे दगा इच चीजे कार ने और मसरफ फिर तस्वीर जो फायदा निश्चा इस्लामाबाद और थी मर्दमा ने बाजियाबी वास्ता और माँ शतो थी मर्दम बाजियाबी वास्ता ही गप्पन जनगा तो मचो जुल्म का नगा है अगर मैं शतो देगा नौकरी देगा चीजे बोलोटे ने तो मरा धीरे खत्म करता एक वनडे अगर ये मिसाल हम विधियां इजी है रोचा एक वनडे ने वनडे पांच अशदाक मासूम तो खत्म करता ईशान छे करता ईशानी कसूर छे था ईशान तो छे कार खराब करता तो ईशान चो शहीद करता चो बेदर्दी तो ईशान जब तो दौड़ जाता तो ईशान इस तरह हमला को ईशान तो हिच ना करता तो पाकिस्तान तो रियासत हम का कमजोर बूत कि तो नु आदगा मर्दमा को दिन पदीन भूत ना करे तो गंडे मासूम इस तरह एवडो जुल्म करे तरह आए आए तरह छे करता था खसाने गंडे जाग गेता आयनी एच कसूर में कमजोर है कि तो आयन इस तरह उठे जुल्म करे आदगा मर्द आदगा मुल्क मर्दम मरा पेचारा ओ आयनी मुल्कों को दस बंदी है कि व्याय मरा इंसाफ विद्यांशी पाकिस्तान में कशगा नहीं शुक्रिया बालाज बलोच जिसका खून तुर्बत में बहाया गया आज बालाज बलोच इंकलाब की रहनुमाई कर रही है आज बालाज बलोच इंकलाब की नवीद बन चुकी है तुम हमें जितना मारोगे जितना शहीद करोगे हम उतना ही उबर के निकलेंगे अब ये बलोच कौम तुमसे डरने वाली नहीं तमाम लापता अफराद को तमाम लापता सीरान को तुम मारोगे तुम मारोगे तुम अगवा करोगे तुम अगवा करोगे तुम शहीद करोगे। अभी मैं चंगेज बलोच की बहन को बुलाती हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करे। चंगेज बलोच को चंगेज बलोच को तमाम लापता सीरान को तमाम लापता सीरान को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिफ्जा है। मैं लापता चंगेज बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई चंगेज बलोच को 11 जनवरी 2014 को खुजदार बाजार से तीन गवाहों की मौजूदगी में लापता किया गया था। मेरे भाई को 11 साल हो रहा है, मेरे भाई का कोई पता नहीं। मैं यही सवाल करती हूँ कि मेरे भाई कहाँ है, मेरे भाई को आप लोग कहाँ ले गए हो? मेरे भाई को FC वाले लापता करके ले गए थे। मैं अपनी भाई को मांगती हूँ आप लोगों से, 10 सालों से हम लोग अपने भाई को नहीं देखा है। हमारे भाई कहाँ है? हमारे भाई को लापता क्यों किया? मेरे भाई ने क्या गुनाह किया है? लाए अपने अदालतों में पेश करे। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो लाए अपने अदालतों में पेश करे। अगर कोई भी गुनाह करता है, कोई कातिल भी हो ना, उसे अदालतों में लेके जाते हैं, वो अपने लिए वकील भी ला सकता है। लेकिन हम बलोच है, इसीलिए हम पे ये जुल्म होता है, इसलिए हमें अदालतों में पेश नहीं करते, इसलिए हमारे पैरों को बाजियाब करते हैं और बाजियाब नहीं करते। यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं इंसाफ वाला मुल्क हूँ, मैं इंसाफ देता हूँ। ये आपके इंसाफ के हम रोड़ों पे बैठे हैं, ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, इनकी पढ़ने की उम्र है, ना कि तस्वीर हाथ में लेके धरने देने की, ना कि तस्वीर हाथ में लेके रोड़ों पे बैठने की। ये आपके इंसाफ हमारे प्यारों को 10-10, 15-15 सालों से लापता करते हैं, ये आपके इंसाफ। मैं यहाँ इस्लामाबाद रोड़ों पे बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे शौक नहीं है रोड़ों पे बैठने का, मुझे शौक नहीं है सर्दी में बैठने का। हम अपने प्यारों के लिए आए हैं, खुदा रहा हमारे प्यारों को बाजियाब। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को। अभी मैं नजर मोहम्मद के माँ को बुलाती हूँ को आए अपना दर्द बयान करे। नजर मोहम्मद बलोच को, नजर मोहम्मद बलोच को, तमाम लापता सीरान को, तमाम लापता सीरान को, तमाम लापता सीरान को, बलोच
نسل کشی بسم اللہ الرحمن الرحیم من گر مند ماساں مارا کوٹا لڑسگاں اتکاں براہ میں بچ وی اکیں میں بچا دواز دمی سالیں میں بچ گار لا پتایا او گتے جا برکما اور ستی نینی گلے برتی ہوا دا گرجا بھی سا ماں لا پتایا منا حال وا لیسنی ماں ماسانی ماں اسے اتکاں نظر مدہ دواز دمی سالیں میں بچ لا پتایا گارے کوئی وارس لیسنی بے وارسی آپا ماں اے دا در سٹ سگاں او دا سٹ سگاں میں ہچ ہی منظور نبی سا منا کوئی پتہ ہے کسا کرسو نا سا اچھا ذر وانا ذر وارت گا میں بچا ہچ ہی حال وال منا نا سا دوست سال بھی سی ہمیش گار اللہ پتہ یا ماں یہ ماں سا نہیں تھی کوئی کس نے سنی شکتی بھی جلائیں ہمارا روڈا نیچے کا کھپتی آتی شش چکا دو بابا گتی اور پچ زندہ گتی ہوا چک میں ہوا دا کپتیاں اللہ نام نی کس نس نی مزاوا سے گرار تو ہم سک تو پریت گا میں چک ہوا دا کپتیاں اللہ نام ہے ماں ہوا ٹکنا ہے ماں سا میں مروا چرانا ہے بسلمان رنگ رندہ کپت گا ماں دے سندو آت گا ہے گوھرانی چکا ہے ویرانیا فادا سوا دیا سرا سردریا کوئی یہ بلائد میں چکا نیت کئی یہ ٹھوکے یا وزید نیت کئی کمنا یہ حال وال سر بھی سی لا پتا یا برتو بے ظلما گھر کھتا ہمشما مروا پنڈا نا اللہ ناوا جھڑتیا مارنگا دے سندو آرت گو او بلی اللہ پاک سن یزتا کنا اللہ شاہ سن کامیا کنا ما ہمشما زندہ کپتی آت کا میں بچا حال وال کوئی نیس سے میں بچا اگر گناہ سورے توائیا کسی تھی نا عدالتا پیش کتی ما کوکڑیاں کھنا پھراتا کھنا مار بے وارسیا پا آت کو دے سندو آدھ پیج سگو مار حویر کا اکسا ظالما کمائے ہلکی باندہ اکسا اس تایا بابا ایسے شما دے آت کو ہما مردہ مائی بچہ وارسا مانا شار آگا آت کو شار دمی لوگا کشتا بٹتاش اور مائی سجدہ دے ہلاک تو پرنتاش مائی لوگا پا یش شاید نہیشتاش ہما شار دے کوکڑیاں کرنا شتا چکو ما برا پرنتاش گا یہ سرزات کیا ہمان دمیات کوڑا حلال کتو ہمان کوٹ واندرہ پرن تیش کوئی یہ منا پا وارسی نوی سے ماں سرداران دہن دہ سو ماں موت بران دہن دہ سو میں دہن کسا نزورتا ماں اللہ نام سرا کتو ہمیش گڑ کتو آت کان دے سندو آدھا میں بچہ یہ حال والد گھومن نیا سن نیا میں سرزات کا بر گناہیات کا گوشتی میتن شار برا میں سرزات کا انشار ندا سا ہما ظالمات کو میں سردا دہلال کو پرتا میں بچہ ظال براسا ظالمی سا اولاد میں بچ دگرائیں تاوے ظالما دینوں ناوے نے ہما ظالما ظالمی کسا میں بچ دگرائیں تا گڑتا میں سردا دکوشتا اگر کے ظالمی بھی سمائی چکا منا پا یہ کوئی یہ شاید نہیستی یا اللہ پاک برباد کھنا میں یوک برباد کھسی میں چکو چوریاں کھل کپتیاں اللہ سوا کوئی تکس نیسنش میں یردے میں پھراتے میں کھوکڑیے میں اے بسلمان نے رندہ کپتو میں دے سندو آت کا میں گھو رہے چھما پھرا کوئی ہندہ تکس نی بے ورسیاں بے کسیاں میرم دیات کا کھوٹا دمال اڑس کو دیاتا چرنا ہمشے آت کو دے سندو آت کپتا ہم دوشکنی چھما گھو رہا مسلمان میں دسا گتیا مرمہ اللہ ہی ناوے میں بچہ گناہ ہے ست میں بچہ دارتا پیش کا اگر نیس نہیں گر میں بچہ ریا کا مسلمان ہے اللہ ہی ناوے میں خدا ہی ناوے میں اللہ جو لیے ماتھی جو لی جڑتا ہے سیاد کا بھنڈا نائے بسلمان ہے مرندہ اللہ اچھا کامیا کنا اس نے مندر کا سویدہ دا سا میں شکا ریا کا مسلمان ہے منا نہیں ہچی حالت نے میں تھما کھور ہم دوشک نہیں جرانا کن جرانا آت کو تھی اللہ ہی نام زورتیا مسلمان ہے بسم اللہ اللہ
अभी मैं सईद अहमद की माँ को बुलाती हूँ कि वो आए अपना दर्द बयान करे। सईद अहमद की माँ। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता असीरान को, तमाम लापता असीरान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही सईद अहमद नाम आउट का नाम आ रही 29 अगस्त 2013 ठी पाकिस्तान ना खुफिया एजेंसी लापता करेनी दान दमी को साल नर गली जाद दिंग आनंद थे अचना थी कि नए सरदार नए नवाब नए मीरे नए मुतबर कुलता करे सवदाओ कस्ता करे खनिंग पक दारे अन्ना खसो तिप्पसा की दाना ना लुम्मा का रोड़ा त्यातुग लोगो अरा ठे माँ की वाउन ठाक बरे रे वाउन ठा था ठे माँ करे गुड़ाना ने दुरुस्त के रखे दाना ना बंदा को नंग गली या था कि नने वाउन के आये नो नने इरातु मन्निंग अठी कि नन दारे तम्मो कुन कस नने खम पक नए नने करे पाकिस्तान ना हुकूमत खाने कि नए करे युनिंगा खाने रनने बलोचिस्तान ना अर गली आये नान तेना चुना थी कि नने मुबारकबादी पारेर नवाब महबत खानम नने मुबारकबादी पारे कबायली आयलो सरदार आग नवाब आग मीर मुतबरक मुबारकबादी पारेर की सईद अहमद मस्तुंग ना कहीं भाई सुनो सईद अहमद ना बाबे ख्वाई फेरोड़े कि नी बरग ना मार मस्तुंग ना कहीं भाई सुनो थे बारी की थे सईद अहमद ना बाबे उड़े ना ओत पारे दशक कर्नल बशमत सुनी पगगा बरक पगगा आईना मतलब अंदुम पंच दे शेष दे इसका अंदावर खाए फेर था कि सही दामन ना कागज एक जोड़ में निंग अटियो नी दारे दस खत दिती ओ अनपढ़ सस्ता का इच दिता वक़्त को और अनंत वाले दस खत खाए सुरे ओ पारे कने ना ख़िज़मवारी ये सेलिंग अटियो कना चुनार की ये दस खत दिती वो और अन दस खत तल को रे लेकिन अराधे अंदस कागजा क्लियर मसूर नसीबुल्ला साहिब एफ सी न वर्दी थी तेना सिपाही थी राई करी नना गली थी अमर दुकान सस दुकान नमोना दुनिया न बंदगा कुल मुच्छसर दुकान नमोना कने गवारी सिपाही कमोड़ी सही दम ना बावे खाए फिर कि नी बरक दारी दस एलो ओना खैर की अखी कना मारे सुर कावा केड़ी ना तो पाए दस दस खत थे कि कागज क्लियर मसनो नी दस दस खत थी ना मारे दस जल्द अन जल्द रिया के ने ओ वापसी होना दस खत हेल कुर वापसी ही नार दा वापस उरागा बस नम पारे नंत पारे रने ले वापस बस उस पाई का नी दत्ता उस का ना दस खत हेल कुर कि ना कागज क्लियर मसनो सही दामन ना दस करे ने ना मारे जल्द अन जल्द रिया के ने तो दा वापस बस सक अराधे अंके ननो सईद अहमद की पुच्छा अंजा करें पुच्छा ते स्त्री करें पुच्छा ते तिखान और की कंडी यल कुसुम कंडी नना दूठी नन सलो कसुम गेट ना मोना की सईद अहमद बरे कक हो दे नने नने यादी हो तकलीफ अंग नने जादू नने रख करें क्यों और तो संगत बरो है दी सोना बाहे बस भाई कने तितनो ते पारे नो लम नसीबुल्ला साहिब पारे सईद अहमद ना के सम कंतोनी लेकिन नहीं नहीं इसका सईद अहमद दस दा चार पांच साल गिदरेगा लेकिन सईद अहमद नहीं तो अल्लाह वाला फक सईद अहमद के ही बास तकलीफ अटियुट सईद अहमद के पास अजियत ते जुटक सईद अहमद के ईट ते उस तनाटा एक मसक लेकिन कुल दर्द आकाश को न सईद अहमद न दर्द का नहीं बाज उशानी ये बाज तकलीफ थी उठक आए दर्द आते ना कुल की राम करे उठ सईद अहमद न तकलीफ का नहीं बाज उशानी ये बाज असुलत था उठक बाज गली दर्द थे ना चुनार की दुदेंगा नुट
कना चुना ना अंत गुना से अंत कसम से लेकिन ये राह वर्ग में सुंगना कैंपस का यीशु से वापस करे से अंत से की अंत केस नसीबुल्ला साहब खलकुन से याते दास कना केस नाजी याते कना चुनाई वापस अते कना रा सर का कना चुनाई ई दिन चुनाव के पास अजियत ते जुटक ई दिन चुनाव के पास ते क्लीन हटी उठक कना मार सांगी सोना बराम तैयार हो ना गिड़ाक तैयार Ha ha ha.
अंत भाई आम के वन तीत के रस्ता अंगना नहीं ले पसना नहीं इत करने के दिमाग आगे नार सलीस तो रस्ता ना मरे इस मसन दिमाग ना मरे इस मसन ना जरा ना चुरे तेरी आगे ना ना खुशी तेरी जिंदगी ना जिंदान तेरी बंद करे ना संग ना ना खुशी केरी जिंदान तेरी बंद हो ना नहीं चो खुशी है फिर ना नहीं दाते तिप्पने रोचना थी जालिम दाते रोचे बनेंगे रमजान शरीफ बनेंगे रैम करियो ना ना नन तुलिंग थी ना वसी फहादी कन्निंग कपने अन्ना ना कलाम मेरी या ना अल्लाह मेरी या ना 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 चना थी बासे आप करन कुल तमाम अधन बागीर तू लोगो बायाग तू लोगो थे ना औलाद अधा इंतिसार है अल्लाह मन्ने जुरू थी ना रियाग है अल्लाह मन्ने अल्लाह ना रसूल मन्ने शुक्रिया ईद कन्निंग कपने अंत बयान के अंत कुतर दाती ना बयान के अंत ईद के लेकिन नंते ना हम ही दाती हम कन्निंग कपने जुल्म के ये जाबते जुल्म के ये जाबते रियासत तेरे जाबते रियासत तेरे जाबते जबर के ये जाबते जबर के ये जाबते। अभी मैं जहूर अहमद और सज्जाद अली की फैमिली को बुलाती हूँ, वो आए अपना दर्द बयां करें। जहूर अहमद बलोच को, जहूर अहमद बलोच को, सज्जाद अली को, सज्जाद अली को, तमाम लापता सीरान को, तमाम लापता सीरान को। अस्सलाम वालेकुम। ये जहूर अहमद नबाबी सज्जाद अली नाम मीट ना चुनाते दरे रख नन बास परेशान हो कैसर ना बना बास तिट ना चुनाते रे आ कबो जहूर अहमद स्कूल में मोना दरे रोक के कभी शरफ की इस पर कौन अदालत था सज्जाद अली ये राग अनर थे ये बिल्कुल थी हम तक कल चुनाना हम करती से हम कल चुनाए दर नहीं गठे हो रही जहूर अहमद ने तो खबर है पूरी कसर अनर फिर इनार सज्जाद अली राग अंदर सज्जाद अली राग अंदर वाला यार रिफेट ही अंता ही पबाई में कल मेरे बेटे को क्या खुशी रही। उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुम्हारा बेटे लियाकत बाज़ार से एक मोबाइल चोरी हुआ है, तुम्हारा बेटा ने उसे को ख़रीदा है। मैंने उसको मोबाइल दिखाया, मैंने कहा इसका ये मोबाइल उसका दो साल पहले उसके दादा ने ले लिया था उसके लिए ना, ये मोबाइल का डब्बा वगैरह सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। कहते है, नहीं हम इसको लेके जाएंगे सुबह 5 बजे उसको वापस लेकर आ जाएंगे। मैं बहुत रोई पीटी, मैंने कहा मेरे बेटे को कोई गुनाह नहीं है, मेरे देवर को भी कोई गुनाह नहीं था, उसको लेकर गई है, फिर मेरा बेटा ने कोई गुनाह किया है तो हमको बताया क्या हुआ है। फिर हम कमीशन में केस लगाया, कमीशन वाले ने फजल रहमान साहब ने मुझे बोला तेरे हक में फैसला हुआ। मैंने कहा मेरे हक का फैसला वही दिन का होगा कि तो हमारा बंदे आ जाए ना, ना जहूर अहमद का पता है ना सज्जाद अली का ये किधर है, मेरा हक का फैसला तो मुझे चाहिए। अभी कुछ भी नहीं है हमारे बच्चों के लिए, खुदा रहा हमारा आवाज़ सुने, हमारे बच्चों को दे दे हमें। मेरा बेटा एक ही है, मुझे शौहर भी नहीं है और बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मेरा ज़िंदगी का यही सहारा है। खुदा रहा मुझे वापस कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, आगे कुछ नहीं कर सकती। तो सलाह मेरी बात सुने, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बलोच नसल खुशी, बलोच नसल खुशी। अभी मैं डॉक्टर मोहम्मद रफीक की फैमिली को बुलाती हूँ कि वो आए अपना दर्द बयां करें। डॉक्टर मोहम्मद रफीक बलोच को, डॉक्टर मोहम्मद रफीक बलोच को, तमाम लापता सीरान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद रफीक मनी ब्रासी नालच नाल ग्रेड स्टेशन बुनस अर लापता कुर्तगन तमा अमे दस दंदी कन के रियासत अमे ब्यारी अमे यानी अर्ज जुल्म अर्ज खता अमे ब्यारी पेश का अदालत
31 अक्टूबर 2013 है नाल गिरी स्टेशन है बोला चारा लापता कुर्तगा अमरा खबर नबूता हफ्तरो चचपाद आई अच्छी बात अखबार हम बिदाता कि मोहम्मद रफीक लापता है शुक्रिया मैं हमेशा रियासत मैं अभी आ रही थी हम अदालत पेश पे कहती हर जुल्म है हर खाता है अमरा मंजूर है लेकिन अम मौत के पकाना अम दुनिया है सुकून तीबे आराम करार मैं शुतगन बस अल्लाह पकारा हमें हिम्मत आबेदन थी अम हम बिहारी रियासत अदालत पेश शुक्रिया तमाम लापता अफराद को अभी मैं गुलाम फारूक की फैमिली को बुलाती हूँ कि वो आए अपना दर्द बयान करे गुलाम फारूक बलोच को तमाम लापता अफराद को हैदराबाद तन अर्फीत दरीनो ताइनो पदेश के अंदर नौ साल दरीनो ना पत्ता करे ना हैदराबाद तन अर्फीत दरीनो ताइनो पदेश के अंदर नौ साल दो ना पत्ता ही उन लुम्मा उन कसरा उरा उरा उन लुम्मा दा दुनिया का नुस्खत करे दा चार साल दो दा जिंदगी टी अब सलीस वाला बाबा थे बाबा हम उन इंतजार टस्सके अरे लीस्ट सौदा करे केस करे करे मुकेश समीना सलीस उड़ के जोड़ मथा हैदराबाद तन वारिर गवा था गवा मा मुसंगत तक चार बंदक तो लिंगा वो मुसीटी गला मसरो ना इनो पदेश कन ना पत्ता ही अफदारी बाबा हम कसरा उरा आखे बाबा हम दा दुनिया का रुस्खत करे दायरा साल ले तू हम पीना नहीं दा दुनिया तक असी ही चाहता है उस डन्ना थे फेरी ये ले अल्लाह डॉक्टर मारंगी सूरत तेती ओ न सत्कार टिनन दार इसका बसन दाई लुम कील पुल जुंडा न थे ना पत्ता तक जा जुम्मा न पारती ने कोनो रे बदो नो रे ने खेन में अल्लाह पाक ननी अराजी मरे न मुसाफिर न दा चा इरा तू ये न पेश तमानुन हन्ना थे फेरी ये लिंगा टू ने निसला माबाद न खानिंग की बता नो नम बस बस सुन थे न बंदा का था मजबूरी अंदाज जाकर असर करे हम नहीं खानिंग के थे बस सुनो नहीं खुनिंग के थे बस सुन रो डाजुन डाने मजबूर है शुक्रिया अभी मैं जान मामद के बेटे को बुलाती को वो आए अपना ख्यालात बयान करे जान मोहम्मद बलोच को तमाम लापता अफराद को बलोच नसल खुशी मैं मीरा बलोच जान मोहम्मद बलोच का बेटा जो कि आप लोग हर रोज हर दिन हमें देखते हैं इन माओं को इन बहनों को हम बेटों को और इन छोटी छोटी बेटियों को बेटों को जो इधर बैठे हैं आपके शेर इकतदार इस्लामाबाद में जो कि आप कहते हैं कि ये शेर इकतदार है यहाँ पे अदालतें हैं क्या हैं लेकिन हम उन अदालतों से पता नहीं अब क्या बोले हमारे अल्फाज इस दर्द को हम बयान नहीं कर सकते अल्फाजों से इस दर्द को हम अपने इलाके से लेकर यहाँ शेर इकतदार मिला इस्लामाबाद में लेकिन अभी तक आप लोग बहरे गुंगे अंधे हैं आप ना इन माओं को सुन रहे हैं ना इन बेटियों को सुन रहे हैं ना इन बेटों को सुन रहे हैं ना इन बहनों को सुन रहे हैं हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए हमें हमारे लोग चाहिए हमें आपके अदालतों में इंसाफ चाहिए हमें आपके शेर इकतदार में इंसाफ चाहिए चलो ठीक है वहाँ अगर इंसाफ नहीं ठीक है लेकिन शहर इकतदार में तो इंसाफ होना चाहिए आपके शहर इकतदार में हम आके बैठे हैं हमें 60 दिन पूरा होने को है लेकिन आप अभी तक बहरे और अंधे हो चुके हैं पता नहीं हम इससे आगे कहाँ जाएं शहर इकतदार इस्लामाबाद है आपका कैपिटल इस्लामाबाद है आपका हाईकोर्ट यहीं पर है लेकिन हम जाएं कहाँ पर जाएं
यहाँ से आगे तो कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं, आपका कैपिटल तो यहीं, अगर कोई और अदालत है तो हमें बता दें, वहीं जाएंगे। और इन बहनों को, इन भाइयों को जो इधर बैठे हैं, इन छोटी छोटी ये छोटे बच्चे हैं जिनका वालिद वो उन्होंने नहीं देखा है, मैं खुद एक विक्टिम फैमिली हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, जो मैंने अपने वालिद को, मुझे याद नहीं कि मेरे वालिद किस शक्ल के हैं, तकरीबन मेरा उम्र 6 साल था उस टाइम। और ये छोटी छोटे, ये छोटे बच्चे जो हैं, इन्होंने अपने वालिद को देखा तक नहीं, उनका उम्र 2 माह था, 3 माह था, तो आप लोगों ने उनके वालिद को जो है जिबरी तौर पर गुमशुदा किया। आप क्या सोचते हैं, आप अपना साख्त, आप अपना स्ट्रक्चर इन बच्चों के जहनों में खुद बना रहे हैं कि मैं क्या चीज हूं, मैं आप लोगों के साथ क्या क्या कर सकता हूं। ये बच्चे जो अभी अपने वालिद के इंतजार में, अपने वालिद को ढूंढते ढूंढते अपने शहर इक्तदार में आए, ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने दर्द का इजहार तक नहीं कर सकते, ये छोटे बच्चे जो अपने तकलीफ को बयान तक नहीं कर सकते, जो बात नहीं कर सकते, ये नसरुल्ला छोटा सा बेटा है वो हमारे साथ है, उसका बाप नजीबुल्ला जो के पिछले 3-4 सालों से गायब है, वो क्या सोचेगा, उसने अपने वालिद को तक नहीं देखा है। मैं उनको देखता हूं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि इस रियासत के साथ हम मांगे क्या, हम हमारे इस रियासत को सोचना चाहिए कि हम मांग क्या रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपने सिर्फ आपसे सिर्फ और सिर्फ अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे मांग रहे हैं। इन माओ का आपके साथ मुतालबा यही कि हमारे बेटों को चाहे आप जेल में डाल दें, चाहे उनके उनको आपने दहशतगर्द करार दे दिया, हमें मंजूर है हम भी दहशतगर्द दें, लेकिन उन दहशतगर्दों के लिए कोई अदालत आपने नहीं बनाया, तो दहशतगर्दों के लिए कोई अदालत तो बनाएं, ताकि हम अपने बाप को, अपने वालिद को, ये बहने अपने भाइयों को देख रख सकें। आप उन्हें जो भी सजा देंगे, हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमें कानूनी इंसाफ चाहिए, हमारे लोगों ने जो भी किया है, मतलब जो भी किया आपने, जो भी इल्जाम उन पर लगाए, आप उन्हें कानूनी तौर पर हमें साबित करें, आप अदालतों में पेश करें, फिर आप कहें कि आप लोगों ने ये जो हमारा अदालत है आपने नहीं माना, हम शहर इक्तदार में इसीलिए आए, आप हमें एक रास्ता बता दें हम इससे आगे जाएं कहां। फिर से हम यही मुतालबा करते हैं सारे अदालतों से, सारे इदारों से, यूएनओ की तरह, यूएनओ को और सारे जो भी इंसानी हकूक के इदारे जो भी है, हमारे आवाज बने, इन माओं की आवाज बने, इन बहनों की आवाज बने, और हमारे लोगों की बाजियाबी के लिए अपना हक अदा करें। शुक्रिया। तमाम लापता असीरान को, तमाम लापता असीरान को, वेयर आर यू, वेयर आर यू, यू किल, यू किल, You abduct, you abduct, तमाम लापता असीरान को। अभी मैं इमरान के फैमिली को बुला दी कि वो आए अपने दर्द बयां करे। इमरान बलोच का बेटा, इमरान बलोच को, इमरान बलोच को, मेरा नाम मीरान, मैं लापता इमरान के भाई, मेरे भाई को 3 मई 2023 को अरन बाजार से जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। अगर मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है तो उसको अदालत में पेश किया जाए। अगर आपके अदालतों में उसने कोई ऐसी जुर्म किया है तो उसको अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि हमारे फैमिली वाले बहुत अजियतनाक जो अजियत की दिन है हम पर गुजर रहे हैं। जब भी मैं घर जाता हूँ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे ये सवाल करते हैं कि मीरान मेरे वालिद साहब कहाँ है और कब आएगा घर। मैं उसकी बात सुनकर मैं घर तक नहीं जा सकता हूँ कि मेरे पास इन सवालों का जवाब ही नहीं है। अगर मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है तो मेरे भाई को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि हमने 2500 किलोमीटर सफर तय करके यहाँ आपकी कैपिटल पे आए हुए हैं। हम यहाँ पे आपके बंगले और बड़े बड़े इमारतों को देखने नहीं आए हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। अगर हमारा मुतालबा है, हम मांगने आए हुए हैं, ये जो प्यारों की तस्वीर हमारे हाथ में है,
हम इन्हीं क्यों बाजियाबी के लिए आए हुए हैं। ना हम आपसे सीपैक मांगने आए हैं, ना हम आपसे आउट मांगने आए हैं, ना हम आपसे सैंडक प्रोजेक्ट मांगने आए हैं। अगर हम बलूचिस्तान से यहाँ तक आए हुए हैं अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए। खुदा रा ये जो माएँ बहनें बैठी हुई हैं, कई कई सालों से रोडों पे भटक रहे हैं इन सर्दियों में, क्या आप लोगों को पता है कि माओं के ऊपर क्या गुजर रहा है? इन माओं की नींदें उड़ा लिए आपने, लेकिन अंधे आप लोग हैं। तरस रहे हैं ये माएँ बहनें अपने प्यारों के लिए, लेकिन बहरे आप हो। अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपकी अदालत ये जो इंसाफ करने की जगह है, हम यहाँ आए हुए हैं इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन कोई हमें इंसाफ भी नहीं दे रहा है। लेकिन हम बदबخت वो बलोच कौम से ताल्लुक है। मेरे अपने फैमिली वाले को वालिद साहब से लेकर और मुझ तक 2014 से लेकर 2024 तक ये मुसलसले ये हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं। 2014 को मेरे बूढ़े वालिद साहब को मेरे भाई के साथ जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। कुछ अरसे बाद मेरे वालिद साहब और भाई को रिहा किया गया। तो 2021 को जब मैं अपनी बहन के घर में सोया हुआ था, तो पाकिस्तानी रियासत ने चापा मारकर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुझे इतना तशद्दुद किया कि जब मेरी बहन ने मुझे देखकर बेहोश हो गई, जब उसने मुझे अपने अकूबत खानों में चौथा सैलों में वहां शिफ्ट किया गया, तो जब मुझे वहां पे पता चला 7 महीने बाद मुझसे मेरा बड़ा भाई है, उन लोगों ने उसको भी लापता किया गया है। आखिर हमारा जुर्म किया है? जब 1.5 साल के बाद मैं बाजियाब होकर अपने घर पहुंची, तो मैं उन्हीं खुशियों की इजहार कर रही थी कि मेरे बड़ा भाई इमरान को इन लोगों ने मैन बाजार से उठाया तो लापता किया। कि हम पे अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो हम जाएं कहां पे? जाएं इंसाफ मांगने के लिए। ये जो प्यारे आए हुए हैं इंसाफ मांगने के लिए आई हैं। कि एक रॉ की एजेंट, इंडिया की एजेंट कलभूषण को आपने उसके फैमिलीज को मिलवाते हैं, उनका बाकायदा रब्ता करवाते हैं, वहां पे आपको इंसाफ है, इंसाफ चाहिए आपको, लेकिन ये प्यारे मेरे माँ बहन बैठी हुए हैं, इनको कोई इंसाफ देने वाला तक नहीं है। मैं इनको देख कर कि मैं मेरे माँ बहन रो रही हैं, रोड़ों पे भटक रही हैं इतने वक्तों से, कि हमारे दिल पे क्या गुजर रहे हैं। मैंने अपने फैमिलीज वालों के सारे नंबर ब्लॉक किए हैं, मैंने अपना नंबर ऑफ किया है, कि जब वो मुझसे कॉल करके मुझसे पूछा जाती है मीरान कि क्या हुआ, इमरान का क्या हाल है। कल मुझसे किसी रॉन्ग नंबर से मेरे लिए कॉल आए थे, जब मैंने कॉल उठाई तो उसकी बेटी का आवाज आ रही थी कि मीरान मेरा अबू कहाँ है, मेरा अबू को अपने साथ लेके आना। तो किन सवालों को जवाब आप लोगों के पास है कि मैं बेटों को तसल्ली दे दूं कि मेरे आपके अबू मेरे पास है, कि मैं उनको लेने ले आया हूं, कि मैं आपके अबू को घर तक पहुंचाया हूं? नहीं है। खुदा रा हम इंसाफ मांगने आए हुए हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया। अभी मैं याकूब की फैमिली को बुलाती हूँ कि वो आए अपने ख्याल बयान करे। याकूब बलोच को, याकूब बलोच को, तमाम लापता असीरान को, तमाम लापता असीरान को, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम शहीद करोगे, तुम शहीद करोगे, तुम अगवा करोगे। अभी मैं वहीद के वालिद को बुलाती हूँ कि वो आए अपने ख्याल अज़हार करे। वहीद बलोच के वालिद रशीद बलोच, वहीद बलोच को, वहीद बलोच को, तमाम गुमशुदा अफराद को, तमाम गुमशुदा अफराद को, वहीद बलोच की वालिद अब्दुल रशीद, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। हम चाचा इन 2015 में गिरफ्तार भी थी गए मच बाजार अच्छे एवंत के दा नाम मालूम है इसी इरते ते चुकन ए बाज परेशानन अगर इसी जगह कोई केस से जुर्मे अस्तन एशिया साबित करन अगर नहीं एशिया बाजाब करन इसी इरते चुकन ए परेशानन ए तकलीफन अगर इसी जुर्मे हिसाब अस्तन तो ठीक नहीं तदलता पेश करन थी आप तमाम बहन और भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने इन फैमिलीज की दर्द सुनी और इनका साथ दिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।